सो हे गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कल के दिन आप लोग को हमारे गेम में कुछ इस तरीके का बुया पास का न्यू बैनर देखने को मिला था, जिसमें गन्ना फ्री फायर ने आप लोग को तीन रीजंस दिए थे कि भाई आप लोग को बुया पास क्यों परचेज करना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन में इन्होंने बोला है कि भाई आप लोग के बुया पास के जितने भी रिवार्ड्स है उनकी डायमंड्स में वैल्यू भाई 13,000 डायमंड के बराबर है, लेकिन गजर ये आप लोग को 499 डायमंड में ही दे रहे हैं। तो गजर ये बात तो आप लोग तब मान सकते हो जब बाहर के सरों पर 13,000 डायमंड में ये बुया पास दिया जा रहा है और सिर्फ हमारे इंडिया से 499 डायमंड में देखने को मिल रहा हो। तो फर्स्ट रीजन यहाँ पे हमारे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है। सेकंड रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया था कि भाई ये बुया पास दोबारा से कभी भी रिलॉन्च नहीं किया जाएगा, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हो। तो मुझे शायद आप लोग को ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई जब गन्ना फ्री फायर वालों के ऊपर बनती है तो वो सीजन फर्स्ट को भी रिटर्न में दे सकते हैं, तो ये तो बुया पास है। लेकिन फिर भी गाइस, अगर इन्होंने प्रॉमिस किया तो शायद आप लोग को बुया पास फिर से रिटर्न में देखने को नहीं मिलेंगे। पर गाइस, ये चीज हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है जब सीजन फर्स्ट ही रिटर्न में आ गए तो। और थर्ड रीजन इन्होंने यहाँ पे दिया है कि भाई आप लोग बुया पास से परमानेंट एक लेजेंडरी गन स्किन को क्लेम कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि भाई आप लोग को बुया पास में एक गन स्किन परमानेंट लेजेंडरी क्लेम करने को मिलती है। खैर देखो गाइस, ये सारी चीजें बताने का मेरा यही रीजन था कि गाइस आप लोग को पता है कि जब से बुया पास को लॉन्च किया गया है कोई भी बुया पास को परचेज करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि भाई बुया पास को परचेज करने के बाद उसके बंडल्स को भी अपग्रेड करना पड़ता है और गाइस बेसिक लुक भी कुछ खास समय देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस कोई पागल होगा जो की 499 डायमंड लगा के बुया पास को परचेज करेगा एंड फिर और ज्यादा डायमंड लगा के बंडल्स को अपग्रेड करेगा, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यही रीजन है बुया पास के सेल नहीं होने का। पर गजर आप लोग को मैं बता दूं, गन्ना फ्री फायर ने ये तीन रीजंस तो आप लोग को बुया पास की सेल बढ़ाने के लिए दिए हैं, लेकिन गजर मैं आप लोग को बता दूं और भी काफी सारे चेंजेस गन्ना फ्री फायर लेकर आने वाला है बुया पास में, जिससे गजर बुया पास की सेल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे गजर आप लोग को बुया पास में भी इलीट पास की तरह डिस्काउंट इवेंट्स देखने को मिलने वाला है, तो गजर मैं आप लोग को बताऊंगा कब और कौन से बुया पास में आप लोग को डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड किस तरीके का डिस्काउंट इवेंट होने वाला है। साथ ही गजर आप लोग बात करेंगे टू नाइट अपडेट के बारे में, यानी कि आज रात 12 बजे तक आप लोगों को हमारे गेम में क्या कुछ नया देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जब हम लोग बात करेंगे आप लोग के समर इवेंट के फ्री रिवार्ड्स एंड नेक्स्ट बुया पास के बारे में और भी काफी सारे नए अपडेट्स बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर से देखते रहना। पर गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि अगर आप लोग को आज की हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आ रहे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग लिए हमेशा इसी तरह गन्ना फ्री फायर की हर एक छोटी सी छोटी अपडेट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने दोनों काम मेरे लिए कर दिया तो बिना किसी देरी के बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गजर हमेशा की तरह बात करेंगे सबसे पहले आप लोग की टू नाइट अपडेट के बारे में। सो गजर मैं आप लोग को बता दूं, कल हमारे इंडिया सब पर आप लोग एक न्यू एनिमेशन वाली ग्लोर स्किन देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह की आप लोग को देखने को मिल जाती है। और गजर इस वीडियो को देखने बाद आप लोग को एक इवेंट जरूर से याद आ गया होगा कि इस तरीके के इवेंट हमारे इंडिया सब पर पहले भी आ चुके हैं, जिसमें गजर आप लोग को 5 लोग लगे हुए देखने को मिल जाते हैं एंड आप लोग डायमंड्स लगा के इन तालों को अनलॉक कर सकते हो। तो मैं आप लोग को कन्फर्म तो नहीं करा की सेम यही इवेंट आने वाला है, लेकिन गजर काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन रही है की आप लोग को ये वाली ग्लोबल स्किन कुछ इस तरीके के इवेंट में देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग कंफर्म नहीं करूंगा। बट गजर ये जो ग्लोबल स्किन है कल आप लोग हमारे इंडिया सब पर देखने को मिलने वाली है। तो गजर इस वाली ग्लोबल स्किन के लिए आप लोगों को कल सुबह लगभग 9-10 बजे कोई एक न्यू वेब इवेंट देखने को मिलने वाला है। सो अगर आप लोग चाहो तो गजर इस ग्लोबल स्किन के आने का वेट कर सकते हो अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो, बाकी मैंने आप लोग को बता ही दिया है। इसके बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते बात करें आप लोग के समर इवेंट के फ्री रिवार्ड्स के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग को पता है ग्लोबल स्किन एंड और भी काफी सारे रिवार्ड्स है जो की आप लोग को पेड इवेंट्स में हमारे इंडिया सब पर देखने को मिल चुके हैं, लेकिन गजर अभी आप लोग के समर इवेंट का एक फीमेल का बंडल पेंडिंग है जो कि गजर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गजर इस फीमेल के बंडल के साथ के जितने भी रिवार्ड्स थे लगभग लगभग आप लोग को सभी के सभी पेड इवेंट्स में देखने को मिले हैं, लेकिन गजर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे इस फीमेल के बंडल के लिए कुछ इस तरह के लीक्स निकल कर आ रही है आप लोग को ये वाला फीमेल का बंडल फ्री के इवेंट में देखने को मिलेगा, जो की हो सकता है आप लोग को छोटा सा समर इवेंट देखने को मिल जाए जिसमें आप लोग कुछ टोकन वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे। इन टोकन से गजर आप लोग इस फीमेल के बंडल को बिल्कुल ही फ्री में एक्सचेंज कर सकते हो एंड इससे रिलेटेड और कुछ रिवार्ड्स पेंडिंग है, जैसे कि एक बैकपैक की स्किन है एंड एक दो रिवार्ड्स और है जो कि गजर आप लोगों को फ्री में देखने को मिल सकते हैं हमारे इंडिया सब पर समर इवेंट में। तो गजर आप लोग के समर इवेंट से रिलेटेड ये कुछ नई लीक्स निकल कर आ रही थी जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दी है। इसके बाद में गजर वीडियो आगे बढ़ते हैं बात करें आप लोग के नेक्स्ट बुया पास के बारे में। तो गजर जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के बंडल्स आप लोग को हमारे इंडिया सब पर नेक्स्ट मंथ के बुया पास में देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो गजर मैंने आप लोग को इस बुया पास का पहले भी काफी बार रिव्यू करके बता दिया है एंड अगर आप लोग इन बंडल्स का बेस
बेसिक लुक देखना चाहते तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने पहले से ही नेक्स्ट बुया पास की वीडियो डाल रखी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे स्पेशल इफेक्ट भी देख पा रहे हो, दो आप लोग को इस बुया पास में स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलने वाला जो कि आप लोग को नेक्स्ट मंथ में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें सीजन 5 के डेलुक्स क्रेट के बारे में, तो अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का आप लोग पहला क्रेट निकल कर आ रहा है, जिसमें अगर आप लोग को हमारे दो इलेट पास के रिवार्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर मैं आप लोग को बता दूं, इस बार पता नहीं क्यों लेकिन सीजन 5 के दो डेलुक्स क्रेट यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, जिसमें से पहला क्रेट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसमें आप लोग को हमारे दो इलीट पास के रिवार्ड्स देखने को मिल जा रहे हैं, जिनका रिव्यू गाइस मैं आप लोग को एक एक करके बता रहा हूँ। बाकी तो गाइस आप लोग को यहाँ पे हमेशा एक तरह पायरेट शिप वाले स्काइविंग स्किन देखने को मिल जाए, एक आप लोग यहाँ पे टुक टुक स्किन देखने को मिल जाती है, एक गाइस यहाँ पे आप लोग को बाइक की स्किन दी गई है, फिर गाइस यहाँ पे आप लोग एक बैकपैक स्किन देख सकते हैं जो की यार कुछ नॉर्मल सी दी गई है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। साथ ही गाइस आप लोग कुछ फेस पेंट टाइप के देखने को मिल जाता है, पैरासूट की स्किन देखने को मिल जाती है, दो स्काईबोर्ड की स्किन देखने को मिलने वाली है, एंड गाइस कुछ अवतार एंड बैनर्स आप लोग को इस क्रेट में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप लोगों को थॉमसन की थीम गन स्किन, एक बैट की स्किन, एक बैकपैक स्किन, और अगर यहाँ पे आप लोग को टॉप देखने को मिलता है, फिर से एक और लूट बॉक्स की स्किन देखने को मिल जाती है, एक ग्रेनेड की स्किन देखने को मिल जाती है, एंड अगर यहाँ पे भी आप लोग को एक और रिलेटिव पास के अवतार एंड बैनर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ रिवार्ड्स थे। इसके अलावा अगर आप लोग का दूसरा डेलुक्स क्रेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का निकल कर आ रहा है, और अगर ये काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग को इसमें सीजन 4 के हमारे कुछ टोकन देखने को मिल जाएंगे, एंड अगर सीजन 5 के आप लोग यहाँ पे बंडल्स देखने को मिलने वाले, साथ ही साथ गजर यहाँ पे आप लोग को सीजन 1 का भी बंडल देखने को मिल जाता है। और गजर कमाल की बात तो यह है कि भाई यहाँ पे आप लोग को मेल वाले बंडल का नाम ब्रेक डांसर बंडल देखने को मिलेगा, लेकिन गजर यहाँ पे आप लोग को हिप हॉप बंडल दिखाई दे रहा होगा, बाकी गजर फीमेल के बंडल का नाम तो ठीक दिया गया है, तो हो सकता है गज किसी ग्लिच की वजह से हो रहा हो, बाकी इसके लिए आप लोग को ज्यादा कुछ कंफर्म नहीं करूंगा। तो ये भी आप लोग के सीजन 5 का एक क्रेट निकल कर आ रहा था जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे रिव्यू करके बता दिया है। और गजर अब बात करें आप लोग के बुया पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में, तो गजर मैं आप लोग को बता दो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस मंथ में तो नहीं लेकिन नेक्स्ट मंथ के बुया पास में आप लोग को बाई और स्पिन का न्यू इवेंट देखने को मिलेगा, यानी गजर आप लोग बुया पास को बाई भी कर सकते हो, एंड गजर आप लोग स्पिन करके बुया पास के रिवार्ड्स को क्लेम कर पाओगे। तो गजर ये इवेंट एग्जैक्ट किस टाइप का होगा इसके लिए तो अभी तक लीक्स एंड अपडेट निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन गजर चांसेस है भाई आप लोग हमारे इंडिया सुपर नेक्स्ट मंथ के बुया पास में डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और गजर अगर आप लोग को याद हो तो काफी टाइम पहले हमारे इंडिया सुपर इलीट पास ओपन नाम का एक न्यू हाइड आउट इवेंट देखने को मिलता था, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसी टाइप का होता था, तो चांसेस है गज आप लोग को भी इसी तरह स्पेशल बुया पास ऑफर इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि गजर आप लोग को सेम इसी टाइप का देखने को मिलने वाला है, नेक्स्ट मंथ के बुया पास में आप लोग को नजर आ सकता है। बाकी इसके अलावा आप लोग के लिए एक और छोटी सी अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गज बहुत ही जल्दी आप लोग को हमारे इंडिया सफर कुछ इस तरीके का 10% टॉप अप बोनस का न्यू इवेंट देखने को मिलेगा, और ये जो इवेंट है गज काफी लॉन्ग टाइम तक चलेगा, मतलब की गजर जब भी आप लोग टॉप अप करोगे 80 रुपए का टॉप अप करते हो तो आप लोग को 100 डायमंड मिलते हैं, लेकिन गजर इस इवेंट के आ जाने के बाद आप लोग को 10% एक्स्ट्रा डायमंड क्लेम करने को दिए जाएंगे। तो गजर इस वाले इवेंट की अभी तक डेट तो कंफर्म नहीं हुई है कब तक आप लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन गजर बहुत ही जल्दी हमारे इंडिया सफर आप लोग को इस तरीके का टॉप अप बोनस इवेंट देखने को मिलने वाला है, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। बाकी गजर आज के लिए इतना ही, होप बताओ आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.